बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सब आ गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग अरुंडल राठी। तो आप मेरी आवाज से समझ सकते हैं, इस समय काफी अभी भी मुझे सर्दी जुकाम काफी गला खराब है। रात में हम लोग 12 बजे तक, 1 बजे तक पूरा बारिश का रात रात जगह था ना, तो वहां पे चले गए थे। 1 बजे करीब हम लोग आए लौट के, और सर्दी भी रात में ज्यादा होती है, दिन में बिल्कुल पता नहीं लगता। तो अभी भी उनके घर अभी बिल्कुल हम लोग इस समय 3:30 बज रहा है दिन में, तो 3:30 बज रहा है बिल्कुल। अभी जस्ट मैं खा पी कर खाना खाकर, क्योंकि आज तेल मागर था ना, तो तेल मागर का खाना होता है ना हमारे यहाँ, सही जो भी अपने जान पहचान में या आस पड़ोस में जिसके भी हमारे सब अच्छे रिलेशन है, तो बिल्कुल अभी जस्ट खाना खाकर आ रही हूँ। आज मेरी मनपसंद के बड़े, मुझे बड़े बहुत पसंद है, पानी वाले बड़े मस्त। और आज मैंने, मेरा गला भी काफी खराब था, लेकिन आज मैंने कड़ी भी पी ली खट्टी खट्टी। अब दवा खाऊंगी फटाफट, अभी दवा लेके भी आई डॉक्टर के यहाँ से, उन्होंने थोड़ी चेंज करके दी, क्योंकि अभी कफ वगैरह खांसी थोड़ी सी हो रखी है। तो मेरी बोतल अभी हीट सिकाई भी करूंगी, और मुझे ना दवाइयां खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है बहुत। पता है मेरी क्या आदत थी, छोट बचपन से ही आधी दवाई खाती थी और आधी फेंक देती थी। तो आधी जब दवाई खाती है ना, तो अनूप कहते हैं दवा खा ली, मैंने कहा बोले दिखाओ, तुमने जरूर दवा फेंक दी होगी। मेरी आदत है आधी दवा खाऊंगी आधी फेंक देती हूँ, लेकिन जब परेशानी होती है ना कभी कभी पूरी खा लेती, लेकिन क्या गोली जरूर छोड़ती है, मेरी आदत है, मुझे ये दवाइयां नहीं खा देती है। लेकिन आज खा रही हूँ, तो कल बारात में जाना है ना पूरे दिन का, कल तो सुबह से और रात तक जरा ठीक ठाक रहना है भाई, ठंड का टाइम वैसे भी है, तो कहीं की दवा खा लेती हूँ मैं भाई। और इसे मैंने पानी गर्म करके रख रखा है, पानी गर्म गर्म पीऊँ, क्योंकि भाभी घर मैंने पानी पी के खाना खाया, खाना खा के अपने घर आके ही गर्म पानी पियूंगी मैंने सोचा। और इस समय तो फ्रेंड्स बस शादी उदी का मौसम चल रहा है, सब कोरोना को, तो कोरोना का सबको ताक में रख दिया है, सबने बहुत भीड़ भाड़ हर जगह है, कहाँ तक आदमी अवॉइड करेगा जाना आना, सब खूब शादियां हैं इस समय फंक्शन। और इसमें ना मैंने भाप लेती हूँ ना इसकी, इसमें कैप्सूल डाल रखे हैं मैंने, विक्स वाला कैप्सूल आता है ना वो डाल लिया है, तो अभी भी कम ये दिन में 3 बार करीब मैंने कल से ले रखी है। सुबह लेकर गई थी पूरा भाभी घर गई थी, फिर आ गई थी, गाने वगैरह हल्दी वगैरह चढ़ी थी, आरता वगैरह हमारे यहाँ होता है ना जो बुआ वगैरह करती है, वो सारी रस्में सुबह से ही। तो मैं बिल्कुल भी अपनी वीडियो नहीं बना पाई, और वहां पर भी अच्छा नहीं लगता है ना कि अपना एंजॉय करो या वीडियो बनाओ, एक ही काम कर सकते हैं भाई, एंजॉय करते हैं तो वीडियो तो वहां की बनाई नहीं। लेकिन हाँ, कल मैरिज की हम पूरा एंजॉय दिखाएंगे आपको, जो भी हम अपने पास में जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल है ना सब होगा, आपको दिखाएंगे। हमारी फ्रेंड से मिलवाऊंगी कल आपके लिए मैं अपनी, मेरी सारी जो फ्रेंड्स हमारे जो पास में 7-8 हमारे जो घर है ना, तो उनसे हमारे काफी अच्छे रिलेशन है, मतलब हम लोग थोड़ा कोई छोटा बड़ा थोड़ा बहुत हम लोग हैं आपस में, तो लेकिन फ्रेंड है हम लोग आपस में बहुत अच्छे से, हम लोग के टीम मेंबर के टीम हम लोग साथ पढ़ती है, अच्छा लगता है। कल आपको मिलवाऊंगी अपने फ्रेंड्स वगैरह से। तो फ्रेंड्स आज भाई खाने वाने का तो कुछ होना नहीं है काम, आराम अब आराम करूंगी, 3:30 बज रहे हैं, क्योंकि पूनम भाभी घर शाम को भी पूनम भाभी घर खाना है, तो खाने का भी कोई झाड़ है नहीं, लेकिन ये लोग नहीं खाना चाहते, मैं बोली बिल्कुल भूखे ही आ गए, कड़ी नहीं खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, बच्चों का भी और इनका भी, मेरे हस्बैंड भी बहुत हीटर है ना खाने में, थोड़ा उन्हें हर चीज पसंद नहीं आती, जल्दी खाना नहीं चाहते किसी के घर का भी, अपने घर का अच्छा लगता है। लेकिन ले जाएंगे भी शाम को, जाएंगे तो है ही। और आप बताइए कैसी सर्दी हो रही है इस समय, आज बहुत काफी तेज धूप निकली है आज, तो आज हम लोग वहां पर सब लोग बिना स्वेटर के ही गए थे, कोई भी स्वेटर नहीं पहना था। तो अभी मैंने अब जब घर में घुसी हूँ ना, जब घर में एंट्री करी अपने, तो फिर ठंड लगने लगी, तो मैंने ये अपर डाल दिया, थोड़ा डार्कनेस सी हो रही है। और फ्रेंड्स संगीता काम करके गई थी, तब से ऐसा ही पड़ा हुआ है आज, तो क्लीन रहना है किचन, कोई काम तो करना नहीं है, लेकिन कड़क वाली चाय बनाऊंगी थोड़ी देर बाद 5 बजे करीब, वो चाय लूंगी अदरक वगैरह और थोड़ा नमक डाल के, चाय में मैं नमक जरूर डालती हूँ, उससे थोड़ा सा ना नमक अच्छा लगता है चाय जुकाम में ना, नमक डाल के चाय बहुत अच्छी बनती है, काली मिर्च वगैरह डाल के बनाऊंगी, थोड़ी देर में लेट होगी, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ।
और इस समय तो आज कितने दिन, अब शादी का सीजन है तो किसी के यहाँ बेटी की शादी होगी, किसी के यहाँ बेटे की होगी, बहू आएगी, किसी के यहाँ दामाद आएगा, तो अच्छा लगता है सब बच्चे अपने। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी सभी से, कोई भी हो, कि अपनी बेटी, कोई भी अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटी अच्छे घर में जाए, दामाद उसका ख्याल रखे और सब कुछ अच्छा हो। लेकिन वो रूल अपनी बहू के लिए भी कीजिएगा, क्योंकि बहू भी किसी घर से आती है ना, तो अपना बेटा जब करता है ना तो बुरा लगता है ना कि मेरा बेटा देखो बहू को इतना कर रहा है, और जब बेटी को करता है दामाद तो माँ को हर खुशी होती है ना। तो फर्क ही कभी मत करिएगा। और वैसे भी ना आज के टाइम में तो मुझे लगता है फर्क है भी नहीं, क्योंकि हम लोग की शादियां, जब हमारी शादी, मेरी शादी जब 20-22-23 साल पहले हुई थी, तब टाइम थोड़ा बहुत अलग था आज से 22-23 साल पहले। पहले था भी फीस सास वगैरह, लेकिन आजकल जो लड़कियां शादी होकर जा रही हैं, लगता ही नहीं है सास है, बिल्कुल बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती हैं, सब कुछ करती हैं। लेकिन बहुत सी जगह अभी भी है ये कि बेटी और बहू में काफी फर्क किया जाता है, तो ये मत कीजिए, क्योंकि आजकल तो सबके बेटा और बेटी सब बराबर है, बहू भी। और मैं तो सोचती हूँ कि बहू ज्यादा ही, बहू को जब मान सम्मान देंगे ना तो वो भी आपको उतना ही प्यार देगी। इसलिए कभी भी हमेशा खुश रहिए, क्योंकि अपना, अगर अपना बेटा बहू का साथ देता है या बहू की केयर करता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो गलत है ना। इसलिए एंजॉय कीजिए लाइफ के लिए, सबके संग, हर हर समस्या का समाधान भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात आप ज्यादातर, आप बताइए, ये बात ज्यादातर होती है ना कि बेटी के लिए रूल अलग और बहू के लिए रूल अलग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहू को भी एंजॉय करने का हक है और बेटियों को भी। तो जैसे बेटी के लिए आप खुश होते हैं, वैसे बहू के लिए भी खुश। ये मत सोचिए कि मेरा बेटा ऐसा कर रहा है बहू के लिए, ये रख के सोचिए कि मेरा दामाद भी तो ऐसा सोचता है ना मेरी बेटी के लिए, उसके साथ कर रहा है कितना अच्छे से सब कुछ। अपनी सोच बदलिए, और काफी सोच बदल भी गई है, ऐसा नहीं है, लोगों की काफी सोच बदल गई है इस बारे में। लेकिन फिर भी बहुत सी जगह ऐसा अभी भी रूल है जो पुराने टाइप के थोड़े लोग हैं, तो बस यही कहना चाहूंगी। और बाकी आगे के ब्लॉग में देखिए क्या रहता है, क्या दिखा पाती हूँ, क्योंकि शाम तक इस समय तो बार बार पूनम भाभी घर से आवाज आ जाती है, राखी आओ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो शायद मैं थोड़ी देर रजाई में लेटूंगी भाई, क्योंकि थोड़े लेटूंगी, मेहुल अपने ट्यूशन पढ़ने के बाद फ्रेंड के संग बाहर खेल रहे हैं इस समय उनकी, थोड़े लेटूंगी क्योंकि सिर में दर्द हो रहा है, जुकाम होता है ना तो पूरा दिमाग ऐसा लगता है जैसे अजीब सा, तो मैं लेटूंगी, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में, ठीक है ना। और हाँ, आज मैं किस बहुत कम लोगों के मैसेज या रिप्लाई, किसी ने अपनी न्यू वीडियो अपलोड की है तो मैं उसको आज शायद ना देख पाऊँ, क्योंकि टाइम की मेरे पास शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि मैं इस समय बिजी हूँ तो लेकिन किसी समय उनकी वीडियो जरूर देखूंगी। डेली ब्लॉग जिनके पढ़ते हैं उनको मैं देखती हूँ, और आज नहीं देख पाऊँ, उनका रिस्पॉन्स दूंगी किसी समय मुझे टाइम मिलेगा तो। आज सुबह से मैं किचन में नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे कोई काम ही नहीं है, अब गए हैं आज सुबह खाना लेकर, तब से मैं किचन में नहीं जागी हूँ। अब मैं सबसे पहले इनका बर्तन लगा के रख गई थी ना, पहले बर्तन भी नहीं लगे, अब पहले बर्तन लगाऊंगी और बनाऊंगी बढ़िया वाली एक कड़क चाय। मैं पीती नहीं जा चाय, लेकिन जुकाम में चाय फायदा करेगी ना, आई पहले चाय बनाऊंगी, बाकी देखते हैं पूरा भाभी घर का भी खाना है रात में, फिर सब जा रहा हूँ, तो पहले हम बनाएंगे चाय, मस्त वाली एक गरम मसाले वाली चाय। पता है आजकल शादियों में भी ना रौनक नहीं रही है कहीं भी ज्यादा, पहले पता है हमारे लोगों की शादी जब हुई थी हम लोगों की, उस टाइम ना हमारे यहाँ जैसे पहले से होता है ना कि लड़कियां कितना रोती थी, पहले लगन होती थी, लगन में जब बैठी होती थी लड़कियां बहुत रोती थी, माँ बाप भी क्या बहुत रोते थे, और लड़की ना बहुत रोती थी लगन चलती थी तब, या जैसे हल्दी वगैरह हो रही है। लेकिन आजकल ना बड़ी मस्ती का माहौल होता है, कोई भी नहीं होता, सब मस्त मस्त, माँ बाप भी मस्त हो गए आजकल की, बस विदा हो जाती है लड़कियाँ बहुत हम लोग टाइम में तो। और पता है मेरे भाई है ना ये राजस्थान में, जो है राजस्थान वाले भाई है वो, हम 5 सिस्टर हैं, उनके हर सिस्टर की शादी में पोज इतना
वैसा होता है ना, वो चुपका करके और बहुत सबसे बहुत रोते हैं, उनका दिल जो है ना बहुत वैसा है। मेरा राजस्थान वाले भाई है और हम सब सिस्टर की शादियों में उनका बढ़िया फोटो होता है, मैं आपको दिखाऊंगी। वो बहुत रोते थे सबके सब बहनों की शादी में। और अभी भी जो मेरी सिस्टर है दिल्ली वाली, उसकी लड़की की शादी में उसके अभी मेरे भाई का वैसा ही पोज है, बिल्कुल रोते हुए का एकदम से। वो भी बड़ा अजीसा लगता है ना उस भावुक का, बहुत अच्छा आता है मेरे बड़े भाई, बहुत अच्छा उनका। तो इसलिए आजकल सबका अपना अपना टाइम समय का होता है, लेकिन समय बहुत चेंज हो गया। पहले बहुत अच्छा लगता था, मतलब हर किसी की आंखों में विदाई की टाइम लड़की है, हर किसी की आंखों में आंसू दिखता था, गैर भी होता था ना, जैसे आज पड़ोस में लोग छतों पे करें तो विदाई के टाइम लड़की पहले वो भी रोता था समझ लिए। अब आजकल लड़की ही नहीं रोती, माँ बाप ही नहीं तो किसके आंखों में आंसू देखेंगे। लेकिन अभी भी ना गाना जब लगता है ना, बाबुल की दुआएं लेते जाओ, तो खुद ब खुद अंदर से ना रोना आने लगता है ये गाना सुनकर के, कि बाबुल की दुआएं लेते जाओ। जिसकी शादी है उसकी यहाँ पे भरे नारा, लेकिन हम लोगों की तो अभी भी रात सुनकर के बाबुल की दुआएं बताइए, आप बताइए लगता है ना इतना दर्द वाला गाना है। ये गरम मसाला डालूंगी चाय में थोड़ी सी, और तो बाकी कल शादी में मजे लेने वाले हैं वो हम आपको कल के ब्लॉग में देखिए, फुल मस्ती दिखाएंगे। बाकी आज क्या होता है रात में पूर्व भाभी के गाने बजाने ही होंगे, और क्या गाने गा रहे थे मेरे तो आज जला भी नहीं निकल पा रहा था गाने, बस मतलब ताली बजाए पड़ी थी और मजीरे या ढोलक गले से फूक आया ही नहीं जा रहा था मेरे से। देखो कल सुबह की भी खाने की मुझे तैयारी करनी नहीं है, क्योंकि मेरे पापा ना हो सकता है कल छुट्टी ले, क्योंकि कल दिन की शादी है ना, दिन की शादी क्या हो तो सुबह से लेके और रात तक ही विदा हो पाएगी 8-9 बजे तक बिजी रहना वाला है, क्योंकि घर से काफी दूर है जहाँ पर उन्होंने शादी रखी है ना। तो फिर शादी ऑफिस ना जाए तो मुझे अभी भी खाने की समय भी कोई तैयारी सुबह के लिए, जैसे मैं मॉर्निंग में जल्दी होती है ना तो मैं सब्जी काट के या प्याज पीस के रख देती हूँ अगले दिन के लिए ऑफिस के लिए, जल्दी से फटाफट हो सब्जी ना, तो वो भी अब नहीं करना है। देखो ये अभी ऑफिस से आए नहीं, टाइम नहीं हुआ, तो आ जाइए चाय पी लीजिए गरम गरम कड़क चाय, मस्त बढ़िया। बस तुलसी के पत्ते नहीं थे आज, वो डालने को रह गए इसमें। लड़कियों की शादी से पहले और शादी के बाद बहुत सी आदतें, बहुत लाइफ चेंज हो जाती है ना। पता है जब मुझे शादी से पहले जुकाम होता था ना तो मैं किसी से भी गर्मा नहीं बोलती थी, बस लिहाफ में लेती रहती थी या सगर्मियों को देखा ले, मतलब लेती रहती थी, किसी से भी नहीं बोलती थी जुकाम। इतनी तेज मुझे जुकाम होता था, पानी टप 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 टप, मैं किसी से बात नहीं करती थी ज्यादा जुकाम में। काम करना तो दूर मैके में यही तो राज होते हैं भाई, बनो तो काम करो बनो नहीं करो, लेकिन तो मैं किसी से बात नहीं करती थी जब तक तो मुझे जुकाम रहता था, इतना बुरा लगता है जुकाम में। लेकिन अब सारा काम भी करना पड़ता है जुकाम में, सब कुछ करना पड़ता है, कौन देखेगा जुकाम। तो मेरी यही जिंदगी है बस, मैके की जो जिंदगी बढ़िया कटती है ना कुंवारेपन की, बस फिर तो जिंदगी में काम ही काम है, करना ही है, कितने भी चाहे काम वाले लगा लो काम तो करना है। अभी मेरे गली में ही दूसरा ही मकान है, उनके यहाँ भी मैरिज आज लड़की का इंगे वो है महिला संगीत, उनके यहाँ वहाँ पर भी मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी वहाँ जाऊंगी फिर वहाँ अब जाना मुश्किल है। तो फ्रेंड्स आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आज दिन गैप नहीं जाना चाहिए, जैसा भी है मैं डाल दूंगी और आपसे बात ही सही है और कुछ नहीं दिखा पाऊँ। देख गला शाम से तो और ज़्यादा इससे 9:30 बज रहे हैं रात में, और अभी वहाँ से भी शादी में भी बुला मैं नहीं गई अभी रात में, क्योंकि मेरी गला और ज़्यादा वैसे बैठ गया है गला और ज़्यादा। तो इस समय शादी का सीजन चल रहा है, तो मुझे शादी के एक आपको शादी के उससे याद आया, मैं आपको अपनी शादी की बताती हूँ। मेरी शादी कुछ जनवरी में 23 साल हो जाएंगे, तो पता है मेरी शादी जिस दिन हुई थी ना उस दिन मेरी सगी ताई जी की डेथ हो गई थी, मतलब दरवाजे पर जयमाल में जिस टाइम पड़ी रात के 10:30 बजे उसी समय मेरी ताई जी की डेथ हुई थी, रियल ताई मेरी। तो
यहाँ पर जब शादी हुई थी तो ताई जी अपने घर पे थी, उनकी थोड़ी तबीयत खराब नहीं थी, वो नहीं गई थी, और बाकी घर में सभी गए थे, लोकल में ही थी ताई जी। तो मेरी सगी ताई की उस दिन डेथ हुई थी और मुझे बताया भी नहीं था। तो मेरी जो ताई जी थी ना, उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरी जब जयमाल पड़ गई ना, जब रात में मेरे फेरे पड़ रहे थे ना सुबह के टाइम 3-4 बजे, तो मैं सोचू कोई भी रिलेशन में नहीं दिख रहा है सिवाय मेरे जो सगे बहन भाई थे 4-5, वो ही दिख रहे थे और सबके फेस उतरे हुए थे। मेरे को पता नहीं क्या बात है। और मेरी विदा भी सुबह मॉर्निंग में अंधेरे में ही कर दी गई 5:30-6 बजे तक। कोई कुछ नहीं मतलब बड़ा समझ तभी दिमाग में नहीं आया। जब मैं विदा होके अपनी ससुराल पहुंची ना, तो 3-4 दिन बाद कोई मेरे मैके की और इधर मैका, मेरा मैका और ससुराल कम से कम एक ज़्यादा दूरी पर नहीं थे, बहुत ज़्यादा मतलब। तो वहाँ की कोई लेडीज बोली, बोली मेरे सामने ही आई तो बोली, कहने लगी मेरी ससुराल में बैठकर कि इनकी तो ताई ख़त्म हो गई थी। तब मुझे पता लगा कि मेरी ताई जी ख़त्म हो गई थी। और मेरी सगी, हम सगी चचेरी तहेरी, हम तीनों बहन हैं, दो मेरी चाचा की बेटियां और एक मैं, हम तीनों बहनों की शादी एक एक हफ्ते के अंतर से थी। एक की 18 जनवरी की थी, मेरी 25 जनवरी की थी, और मेरी जब ताई जी 25 जनवरी को ख़त्म हुई, मेरी सगी सिस्टर चचेरी की 2 फरवरी को थी। जिस दिन मेरी ताई जी का दसवां हुआ उस दिन की शादी। हम लोग सब पास पास में ही रहते थे। तो कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं ना लाइफ में, हमेशा याद रहते हैं। जब तब क्या कहते हैं मेरी, जब तो जब भी ना मेरी शादी की सालगिरह आती है ना, एनिवर्सरी, तो मुझे अपनी ताई जी की याद आती है। मतलब वही दिन था ना, उसी दिन। तो कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि बस। और फ्रेंड ज़्यादा तो मैं आज कुछ ब्लॉग में अपने दिखा रही हूँ, क्योंकि आप मेरा गला भी देख रहे हैं, तबीयत भी देख रहे हैं। आज कुछ भी नहीं कर पाई हूँ मैं, कुछ भी, बस आपके लिए थोड़ा सा ऐसे ही अपलोड कर रही हूँ ये वीडियो। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट्स दीजिएगा अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। तो कल मिलती हूँ कोई अच्छा सा ब्लॉग लेकर। कल तो मैरिज है, कल पूरा दिन तो पूनम भाभी घर जाएगा, वहाँ अच्छा सा ब्लॉग लेकर आऊँगी कल। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।